अपने बाबूजी पर एक कविता प्रस्तुत है कि बरगद पीपल नीम सरीखे तेज धूप में बाबूजी माँ के बाद नजर आते हैं माँ जैसे ही बाबूजी अल सुबह सबसे पहले जागे होते बाबूजी पौधों से बातें करते पाए जाते हैं बाबूजी अखबारों में जाने क्या क्या वाचा करते रहते हैं अखबारों में जाने क्या क्या वाचा करते रहते हैं दुनिया भर की बातों से जुड़े हुए हैं बाबूजी साल 85 बीत गए जाने क्या क्या देखा है साल 85 बीत गए जाने क्या क्या देखा है बातचीत ना हम कर पाए घबरा जाते बाबूजी जाने कितनी पीड़ा होगी अपने जीवन में भूल के पीड़ा संग मित्रों के मुस्काते हैं बाबूजी चौकस आंखें बाचा करती किसने क्या क्या की गलती पहले डांटा करते थे अब समझाते बाबूजी दौर पुराना याद है उनको 47 की रातों का दौर पुराना याद है उनको 47 की रातों का देश हुआ आज़ाद उस दिन वो पल था सौगातों का उपरेन गंज की कुलियों में हो खुश होके घूमे बाबूजी आज़ादी के जश्न की गाथा हमें सुनाते बाबूजी एक किसान के बेटे हैं वे कर्मठ और कुछ त्यागी भी धर्म चेतना चिंतन मुदिता भावों के अनुरागी भी खेल कबड्डी हॉकी कुश्ती चेस वेस सब उनके थे शिब्बू दादा बोले भैया बहुत तेज थे बाबूजी शिब्बू दादा बाबूजी के क्लास फेलो थे और जब मैं लॉ में पढ़ रहा था तब वे मेरे क्लास फेलो उन्हीं शिब्बू दादा का जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ एक बेहतरीन कलाकार हैं गायक हैं और वे भी अब बुजुर्ग हो चुके हैं एक किसान के बेटे हैं वे कर्मठ और कुछ त्यागी भी धर्म चेतना चिंतन मुदिता भावों के अनुरागी भी खेल कबड्डी हॉकी कुश्ती चेस वेस सब उनके थे शिब्बू दादा बोले भैया बहुत तेज थे बाबूजी आज साथ हैं वे हम सब के हम सब का धन मान वही जिसके जनक हैं वृद्धाश्रम में सच कहूँ सबसे बेईमान वही लेकर आओ झटपट आके पूजो पिता प्रभु ही हैं लेकर आओ झटपट आके पूजो पिता प्रभु ही हैं समझाते एक नवल युगल को वो ही मेरे बाबूजी साथियों ये कविता आपको छू गई हो तो मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिए धन्यवाद